हेलो ट्रेडर भाई लोग, नमस्कार। प्रॉफिट कमा रहे होंगे अच्छा खासा। मार्केट बहुत उछाल पे है। मार्केट पिछले 2 साल से लगातार ऊपर जा रही है, मतलब कोई तो कमा रहा है। क्या आप कमा रहे हैं? अगर कमा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपका टेक्निक बताइए, हमें भी थोड़ा कमाने का मौका दीजिए। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट आपका पैसा खा रहा है। मार्केट आपका पैसा खा खा के अपना ट्रेंड को ऊपर की तरफ बनाया हुआ है। जिस दिन आप पैसा कमाने लगोगे, मार्केट को नीचे जाना ही पड़ेगा। आज अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब आप ही का पैसा से मार्केट उछल रहा है और आप लगातार पैसा लूज़ कर रहे हैं। आप आज पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप ट्रेंड को नहीं पहचान रहे। तो चलिए भाई लोग, ट्रेंड पहचानने का एक नया तरीका सीखते हैं, मार्केट को समझते हैं और थोड़ा पैसा बनाते हैं। ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है ट्रेंड को पकड़ने का, बिल्कुल सही समय पे सही डिसीजन लेने का। अगर आप ट्रेंड को पकड़ लिए तो समझ लीजिए कि मार्केट कभी आपको धोखा नहीं दे सकता। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का ये नया तरीका कि ट्रेंड को कैसे पकड़ें। चेंजिंग ट्रेंड इन इंट्राडे प्रॉफिट, प्रॉफिट मंत्रा 6। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आप 5 मिनट के कैंडल के साथ ट्रेंड को कैसे समझ सकते हैं और कैसे पकड़ सकते हैं। आप एक बार अगर ट्रेंड को पकड़ने में माहिर हो गए तो समझ लीजिएगा कि आप पूरा मार्केट को पकड़ लिए। तो इसी सिलसिले में आज देखेंगे कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3 तारीख का ट्रेड है, ये अगस्त 3 का ट्रेड है, और इसमें ट्रेंड कैसे काम करता है। ट्रेंड को समझने का एक ही तरीका है कि आप कैंडल को समझिए कि कैंडल आपको क्या बताने का कोशिश कर रहा है। ये 3 तारीख का कैंडल है, तो जहाँ मार्केट खुलता है उसके बाद फटाफट आपको ध्यान देना है कि कैंडल का मूवमेंट कहाँ है। मार्केट गैप अप हुआ और गैप डाउन हुआ, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 2-3 घंटा का ट्रेड लेना है। इससे पहले क्या था, आगे क्या होने वाला है, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। बस आपको 2-3 घंटा के लिए ट्रेंड जानना है। जैसे यहाँ देखिए, मार्केट खुला 294 पे, उसके बाद लगातार 5 मिनट तक ऊपर गया 297 तक, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। नीचे आने के बाद क्या करेगा दोस्तों, कि अगर मार्केट गैप अप हुआ है तो डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा। अगर 10-15 मिनट तक मार्केट ऊपर रहता है, 20 मिनट तक ऊपर रहता है, तो समझ लीजिएगा कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है। जो रात रात भर बैठ के रिसर्च करते रहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं, और लोग यही देखते हैं कि आज मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर या नीचे, बस उनको उतना ही खबर होता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा। और ये मार्केट ऊपर इसीलिए जाता है क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि आज ऊपर जाएगा। अगर मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स सोचते हैं कि ऊपर जाएगा मतलब जाएगा, तो यहाँ क्या हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद एक पीक बनाया करीब 10:30 बजे के बाद, उसके बाद नीचे आया। तो यहाँ से खेल शुरू होता है कि मार्केट यहाँ से उस जब नीचे आया, उसका मोमेंट ख़त्म हुआ और ट्रेंड रिवर्स हुआ। उसका सिग्नल है एक बड़ा सा वॉल्यूम वाला कैंडल, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया। तो आपको करना क्या है कि एक लंबा ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, जिस दिन मार्केट अप में शुरू हुआ है उस दिन अगर आपको एक लंबा डाउनवर्ड ट्रेंड मिल गया, और उस ट्रेंड के बाद अगर 5 मिनट का कैंडल में आपको ग्रीन कैंडल दिखने लगा, तो समझ लीजिएगा कि ट्रेंड बदल चुका है। और उसको कंफर्म करेगा कौन, वॉल्यूम। उसके बाद आप समझ लीजिएगा कि अब मार्केट को ऊपर जाने का वक्त आ गया। तो कभी जल्दी आ जाता है, कभी लेट में आ जाता है। यहाँ मार्केट 295 के लेवल से रिवर्स जाना शुरू किया। आपको क्या करना है कि जहाँ 2 कैंडल ग्रीन वाला मिले वहाँ से मार्केट को पिक कर लेना है, मतलब बाय कर लेना है। उसके बाद वेट करना है कि कब 2 कैंडल रेड वाला बने। जैसे ही 2 कैंडल बड़ा वाला रेड वाला बनता है, आपको मार्केट को छोड़ देना है। यहाँ पे 296 पे पिक किया, 298, 2 रुपये का प्रॉफिट आया, लेकिन चलो स्ट्रेटेजी तो काम किया। ये 3 तारीख का था। यही स्ट्रेटेजी आपको बार बार यूज़ करना है, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। चलो फिर पीछे जा कर देख लेते हैं कि ये सेम स्ट्रेटेजी जो 9:15 पे शुरू होता है वो और कहाँ काम करता है। और इसमें आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अपना ट्रेड को 2 बजे के बाद कहीं भी लेके नहीं जाना है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, 2-4 घंटे के लिए ट्रेडिंग करते हैं, आपके पास टाइम बहुत कम रहता है,
आपको एकदम सही डिसीजन सही टाइम पे लेना होता है। ये 2 तारीख का ट्रेड है, यहाँ मार्केट शुरू ही हुआ एक डोजी से, तो इसका मतलब ये है कि आज पूरा मार्केट का कोई मूवमेंट नहीं है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उसका डोजी होता ही है, ये बोलने के लिए कि भाई आज मार्केट पे भरोसा मत करो, कहीं भी लुढ़क सकता है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो इससे सबसे बढ़िया है कि ऐसे इस दिन इस टाइप का मार्केट में आप ट्रेड ही मत करो। जिस दिन सुबह सुबह आपको डोजी दे दिया, मतलब वो दिन आपके लिए नहीं है, छोड़ दो। कभी कभी चुपचाप बैठे रहना ही समझदारी होता है। आप थोड़ा और उससे पीछे चल के देखते हैं कि और कहाँ पे अपना स्ट्रेटेजी काम आता है। अब ये आ गया 1 तारीख का कैंडल। 1 तारीख को क्या हुआ, एक सेकेंड ड्रॉ करने दीजिए। हाँ, 1 तारीख को क्या हुआ, पहला मार्केट जैसे ही खुला, दो कैंडल बड़ा बड़ा दो कैंडल सीधा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहला 15 मिनट 20 मिनट तक देखना है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, तभी आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ दो ही कैंडल मिला ऊपर और उसके बाद नीचे आ गया, और पूरा दिन भर नीचे चला, और जैसे ही मार्केट बंद होने को आया थोड़ा ऊपर गया। तो इसमें आप कोई ट्रेड नहीं ले सकते भाई, ऐसे में ट्रेड लोगे तो फंस जाओगे। तो सबसे बेटर है कि ऐसे ही मौके पे आप थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ट्रेड करना एक नशा होता है कि भाई आज मेरे को ट्रेड लेना है, मुझे आज इस स्टॉक को बाय करना है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए। थोड़ा वेट कीजिए, सही मौका खोजिए, जहाँ अगर मिले तो ट्रेड कीजिए, नहीं तो बैठे रहिए। एक स्टॉक में नहीं मिला, कोई दूसरा स्टॉक में मिल जाएगा। 4-5 स्टॉक स्कैनर पे लगाइए, किसी न किसी स्टॉक में तो मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, नुकसान होने से बच गया। ये ऐसा 31 तारीख का था, इसमें भी हमको कोई मौका नहीं मिला। अब यहाँ देखिए थोड़ा कुछ 30 तारीख को कुछ मूवमेंट दिखता हुआ, क्योंकि जैसे ही मार्केट खुला, पहला 5 मिनट में मार्केट ने 286 से शुरू होकर लगभग 300 तक 5 मिनट में मूव किया। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि 3 कैंडल 4 कैंडल पर 15-20 मिनट तक देखना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। अगर ऊपर जाता है तो ठीक है बाइक, उसके बाद रिट्रेंच होने के बाद बाय करो। मगर यहाँ पे क्या हुआ कि पहला 5 मिनट में ही इतना बड़ा कैंडल दिया, इसका मतलब ये है कि पूरा मार्केट को भाई लोग ट्रेडर लोग इन जो रात रात भर बैठ के रिसर्च करते हैं, वो लोग ने पूरा का पूरा रिसर्च की मारा है कि आज तो मार्केट को ऊपर जाना ही है। और जैसे ही मार्केट खुला, सब ने धड़ 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 बाय कर लिया और मार्केट चल गया पूरा 300 पॉइंट। उसके बाद थोड़ा रिट्रेंच हुआ। रिट्रेंच होने के बाद जहाँ पहले आपको ग्रोथ सिग्नल मिले, ग्रोथ सिग्नल का मतलब होता है 2-3 कैंडल, मतलब 4-5-7-8-10 मिनट तक अगर ग्रीन में रहता है तो आप वहाँ से उठा लीजिए, मतलब बाय कर लीजिए। यहाँ 292 के आसपास मिला है, 293 पे आप बाय कर सकते हैं। और सेल करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जहाँ तक आपको 2-3 रेड कैंडल ना मिला, और वो मिला है आपको 298 के आसपास। तो अगर आप यहाँ 292-293 पे लेते हैं, 297-298 पे भी बेचते हैं तो 3-4 रुपये का प्रॉफिट बन जाता है भाई। इंट्राडे का एक सिंपल फंडा हमेशा याद रखिए कि आपको सबसे पहले सौदा लगाना है, जैसे मार्केट को लगाने से पहले, मतलब आप ये 5 मिनट भी लेट हो जाता है। अगर इससे भी कोई फास्ट तरीका है तो हमें बताइए, वी आर सर्चिंग फॉर दैट। 5 मिनट का कैंडल मतलब आप 5 मिनट लेट। अगर इससे भी कोई फास्ट तरीका है ट्रेंड को पकड़ने का तो वो भी ज़रूरी है, मगर मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में हमें तो ऐसा कोई टेक्निक नहीं मिला कि 5 मिनट से छोटा कैंडल, मतलब 2-3 मिनट या 1 मिनट का कैंडल को विश्वास किया जाए या उसे देख के ट्रेंड पता लगाया जाए। हम 5 ही मिनट के कैंडल में ट्रेड करते हैं, ये थोड़ा रिलायबल होता है। 15 मिनट का कैंडल इससे भी रिलायबल होता है, लेकिन आप 15 मिनट के चक्कर में रहिएगा, पूरा हफ्ता हफ्ता भर आपको ट्रेड का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जिस दिन मिल गया तो उस दिन मानिए आपका पूरा हफ्ता भर का जो खुन्नस होता है ट्रेड करने का या प्रॉफिट कमाने का, उस दिन मिल जाएगा। लेकिन आप उतना वेट नहीं कर सकते, हमें ट्रेड करना है। तो इसमें फंडा क्या होना चाहिए कि यहाँ देखिए, जैसे 27 तारीख का ट्रेड है, पहला 4-5 मिनट मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया,
और नीचे आता ही गया, तो इसमें कहीं पे मार्केट का रिट्रेंच होने का कोई सिग्नल नहीं मिला। हालांकि 2 बजे के पास थोड़ा सा मिला था, लेकिन जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 2 बजे के बाद इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कोई जगह नहीं होता, तो यहाँ पे हम सिंपली ट्रेड नहीं लेंगे। 2 बजे के बाद टाइम होता है इन्वेस्टर लोगों का, आप गलती से भी 2 बजे के बाद नया ट्रेड मत लीजिए, और जो भी ट्रेड लिए हैं 2 बजे से पहले उसको कोशिश कीजिए कि 2 बजे के आसपास या 2:15, 2:20, मैक्सिमम 2:30 बजे उससे पहले ही छोड़ दें। तो हम मार्केट में आते ही हैं पैसा कमाने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम आए पैसा लगाए और नुकसान हो गया, फिर कल आए पैसा लगाए नुकसान हो गया। जैसे यहाँ यहाँ को भी 26 तारीख को मार्केट खुला तो था गैप अप, लेकिन उतना बड़ा गैप अप नहीं था, या उतना पहला 5 मिनट में उतना कोई खास ट्रेंड नहीं दिखा, तो यहाँ भी हम कोई ट्रेड नहीं लगाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम भाई पैसा कमाने के लिए मार्केट में आते, पैसा गंवाने के लिए नहीं। तो थोड़ा सोच समझ के काम कीजिए, जहाँ ट्रेड बनता है वहाँ लगाइए, जहाँ नहीं बनता वहाँ बिल्कुल मत लगाइए। मार्केट के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप अपने मर्जी से मार्केट में आए हैं, आप ट्रेड करेंगे ना करेंगे आपकी मर्जी। तो मौका खोजिए, मौका देखिए, मौका मिलने पर ही ट्रेड कीजिए। जैसे यहाँ 18 तारीख को भी कोई मौका नहीं मिला, अब और थोड़ा पीछे चल के देखते हैं कि यहाँ 24 तारीख को कुछ मिला कि नहीं। अगर 24 तारीख का ग्राफ देखें तो उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मार्केट कहाँ ऊपर जा रहा है कहाँ नीचे जा रहा है। यहाँ मूव्स तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन कैंडल भी बड़े बड़े हैं, लेकिन एक्चुअली फिर दोस्तों ये कैंडल बड़े बड़े नहीं, ये शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो कैंडल इतना बड़ा दिख रहा है। एक्चुअली देखिएगा तो ये 266 से 268, मतलब 2 रुपये का ही फ्लक्चुएशन है, उतना बड़ा कैंडल नहीं है। इसको आप लॉन्ग चार्ट को थोड़ा एक्सटेंड करके देखिएगा तो ये बिल्कुल कोई ट्रेंड ही नहीं है इसमें। इसमें आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा ट्रेंड यहाँ है, थोड़ा वहाँ है, थोड़ा ग्रोथ है, थोड़ा डाउन है, लेकिन ये कोई ट्रेंड ही नहीं है। ऐसे ट्रेंड से भी बचिए, आपको क्लियर ट्रेंड खोजना है कि कहाँ आपको ट्रेड लगाना है। जहाँ आपको क्लियर ट्रेंड मिला सिर्फ आपको वहीं पर ही ट्रेड लगाना है। ऐसा नहीं है कि भाई हम यहाँ आए हैं मार्केट में ट्रेड लगाएंगे, चलो 2 कैंडल ग्रीन मिल गया, 3 कैंडल रेड मिल गया, सेल कर लेते हैं, 2 कैंडल ग्रीन मिल गया बाय कर लेते हैं, तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं। इंतज़ार कीजिए सही सिग्नल का, सिग्नल जब तक ना मिले आपको वहीं रुके रहना। भाई ये ट्रैफिक लाइट की तरह होता है, लाल सिग्नल होता है नीचे जाने का, ग्रीन सिग्नल होता है ऊपर जाने का। अगर आप लाल सिग्नल में आग गाड़ी बढ़ा दिए तो भाई क्रैश तो होना ही है। तो इसका और एक बेसिक है कि आप एक स्टॉक को फॉलो मत कीजिए, 4-5 स्टॉक को फॉलो कीजिए, 3 स्टॉक, 4 स्टॉक, 5 स्टॉक। एक दिन में अगर एक स्टॉक भी मिल गया आपको, आपका स्कैनर में जो 4-5 स्टॉक लगा है उसमें से एक स्टॉक भी आपको मिल गया, तो आप उसी स्टॉक के सहारे एक दिन का प्रॉफिट कमा लोगे। और कोई दिन ऐसा भी मिलेगा जहाँ 2-3 स्टॉक जो आपने स्कैनर में लगाए सब में कुछ ना कुछ सिग्नल मिलेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके तीनों चारों जो है उसमें आप लगा दीजिए, और एक साथ ज़्यादा पैसा मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, थोड़ा सेफ रहिए, कम कमाइए लेकिन हमेशा कमाइए। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये काम है, आपको काम की तरह ही करना है। आपका एक्यूरेसी लेवल हमेशा उतना ही सही होना चाहिए जितना आप रोड में गाड़ी चलाते वक्त एक्यूरेट होते हो। 1 मिनट का गलती इधर उधर हुआ और आप ठुक जाओगे, किसी गाड़ी के नीचे आ जाओगे, तो ट्रेडिंग भी बिल्कुल उसी तरह है। आपका ध्यान थोड़ा सा भी भटकाया, जहाँ पे सिग्नल नहीं मिला वहाँ गाड़ी बढ़ा दिया, तो भाई तो ठोकना तो है, एक्सीडेंट होना ही है। तो भाई बी केयरफुल, ट्रेड सेंसिटिवली, सोच समझ के ट्रेड कीजिए, और ट्रेडिंग अच्छा काम है, अगर आप चाहें तो इसमें रेगुलर पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाइए, खुश रहिए। अगर दिन में आप 200-400 का प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, छोटा सा इन्वेस्टर हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप अमाउंट बढ़ाते जाइए, वॉल्यूम बढ़ाते जाइए। अगर आप एक बार आप सोचेंगे कि अब तो हो गया भाई, बहुत हो गया, मैं बहुत सीख लिया, अब वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, ऐसा भी नहीं है कि एक ट्रेड में सारा पैसा झोंक दो। भाई ये जुआ जैसा गेम है, थोड़ा थोड़ा करके खेलोगे तो लंबा टाइम तक चलोगे, थोड़ा थोड़ा खाओगे। एक साथ सारा पैसा फेंक दे ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में, तो
सब डूब जाएगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मार्केट में क्या हो रहा है और आपको कैसे ट्रेंड को पकड़ना है, कहाँ पे बाय लेना है, कहाँ पे सेल लेना है, कहाँ पे चुपचाप खड़े रहना है, मार्केट से हट जाना है। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।